पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों का आंदोलन अब हर जिले में जोरदार तरीके से उठाया जा रहा है। कर्मचारियों की क्रमिक अनशन के दूसरे दिन अजीत नसीब, चुन्नी लाल और हेतराम ने मोर्चा संभाला। पुराने उपायुक्त कार्यालय के बाहर चल रहे इस क्रमिक अनशन में रोजाना 4 से 5 लोग बैठाने का ऐलान जो है वो कर्मचारी संघ ने किया है। सोलन ब्लॉक के अध्यक्ष स्वरूप सिंह ने कहा कि वे लगातार 5 से 7 सालों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी वे इसी तरह संघर्ष जारी रखेंगे जब तक ये सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती। उनका कहना है कि यदि मौजूदा सरकार रिपीट होना चाहती है तो उन्हें कहीं ना कहीं उनकी मांगों को मानना और सुनना होगा। उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी हो जाएंगी। हम सरकार तक जो है अपना आंदोलन पहुँचाने में जो है वो पूरी तरह से कामयाब है, क्योंकि जिस भी मंच पे जहाँ भी मुख्यमंत्री जी होते हैं वो जरूर हमारी बात करते हैं, तो इससे हमें ऐसा लगता है कि हमारी बात जो है वो सरकार तक पूरी तरह पहुंच गई है। इस मांग को मनवाने के लिए हमें जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा, इससे पहले भी हमने किया है, हम लगातार 5 से 7 सालों से इस संघर्ष में जुड़े हुए हैं और आगे जितना भी इसको मांग को पूरा करवाने के लिए संघर्ष हमें करना पड़ेगा, हम करेंगे। चुनावों में कर्मचारियों को बहुत उम्मीद है, हम तो चाहते हैं कि मौजूदा सरकार रिपीट करे, क्योंकि इस समय जो है NPS कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी संख्या है और अगर उनके परिवारों को भी जोड़ दिया जाए तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक बनता है, और अगर सरकार वाकई रिपीट करना चाहती है तो उन्हें कहीं ना कहीं हमारी जो है मांग को सुनना होगा, उसको मानना होगा। वैसे तो हमें उम्मीद है कि हम इसी सरकार में जो है अपनी मांगे पूरी करवा लेंगे। अभी जैसे 5 तारीख को जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यहाँ पे दौरा है, एम्स के उद्घाटन में उन्होंने आना है, तो हमें ऐसी पूरी उम्मीद है कि भाई वो वहाँ से जरूर ना जरूर जो है जो हमारे साथी इतने समय से जो है जैसे अभी 51 दिन शिमला में हो गए उन्हें क्रमिक अनशन करते हुए और 1 महीने से अधिक जो है वो बाकी जो 3 लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ पे बैठे हुए हो गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये बात उनके ध्यान में भी लाई गई होगी और वो जो है वहीं उसी मंच से जो है हमारे लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं।